प्राइमरी और जूनियर की सीरीज में एक महत्वपूर्ण सीरीज की प्रारंभ किए हैं, जहां पर विज्ञान, सामान्य विज्ञान के 3 सेक्शन में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के 10 नंबर की सीरीज में आज की जो सीरीज चली भौतिक विज्ञान में, जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है प्रकाश। ये आपके पाठ्यक्रम सिलेबस में है, उसी पाठ्यक्रम के आधार पर आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लाइव प्रत्येक रात 9:30 बजे इलर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों पर निःशुल्क लेकर आते हैं। मेरा उद्देश्य है आप सभी को अंतिम रूप से सिलेक्शन दिलाना। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारे तथ्य ऐसे होंगे जिन्हें आपको लिखना पड़ेगा, एक नोट्स आपकी बन जाएगी और पूरा जो पाठ्यक्रम है, जो पूरा सिलेबस है, वो आसानी के साथ खत्म हो जाएगा। तो बिना देरी किए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। या आपने अगर पिछले प्रीवियस ईयर का पेपर दिया होगा, आपको ये ज्ञात होगा कि जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न होते हैं कुछ इस तरह से आपके भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करते रहिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बिना समय गंवाए अपने प्रश्न का जवाब देना है, जुड़ते जाइएगा और हो सके तो वीडियो को साथी मित्रों तक पहुँचाते जरूर जाइएगा। एकदम सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, ऐसे ही बने रहिएगा इस देश के प्यारे शिक्षक साथियों, अध्यापक अध्यापिकाओं। ये होगा पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या प्रयुक्त किए जाते हैं? पोलेराइड। पोलेराइड से गुजरने पर जो प्रकाश होता है उसका ध्रुवण उत्पन्न नहीं होता, इसलिए जो मोटर कार होती हैं उसमें हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलेराइड का उपयोग किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। हो सकता है आपके शिक्षक भर्ती में हूबहू यहाँ से प्रश्न आ जाए। अगर आप लोग को सरकारी शिक्षक बनना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक प्रयोग किया जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सभी इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगर आपने इस प्रश्न का जवाब नहीं दे या नहीं पढ़ाया तो इसका मतलब यह है कि अभी भी हमारे पढ़ाने में कमी है। एकदम आसान प्रश्न है, प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करिएगा और सभी साथी मित्र आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जल्दी से बिना देरी के इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। देखिए एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया, एकदम सही। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिग्निशन, इसको कहा जाए तो ये हो जाएगा OMR। जी हाँ, OMR। इस OMR शीट की प्रयोग की जाती है आजकल परीक्षाओं के लिए, तो यहाँ पर OMR के नाम से इसे जानते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिग्निगेशन, इसका संक्षेप नाम में OMR कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जवाब आप सभी साथी मित्रों ने एकदम सही दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिए गए प्रश्नों को पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया कि आप सभी को सिलेक्शन लेना है। हम आगे बढ़ रहे हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, हम लोग वही प्रश्न आपको पढ़ाएंगे जो सीधा सीधा हूबहू आपके परीक्षा में आ जाए। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है। तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, तुरंत बिना देरी किए कमेंट में जवाब जरूर देंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य, मैंने आपको बार बार बताया, आपका सिलेक्शन है। और आपका उद्देश्य क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके, ठीक है, सभी लोग फटाफट जवाब जरूर दीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, सभी साथी। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। जो भी मेरे साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो लोग सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी को, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, लपा जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त एकदम सही क्या होगा, चलिए हम आपको एकदम व्यक्तिगत रूप से समझा कर बताएंगे। समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना, उन्हें चेतावनी देना, ये प्रकाश स्तंभ का काम है। अगर पूछा जाए कि भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। एकदम यूनिक प्रश्न है, आपके पाठ्यक्रम में है, आपके सिलेबस में है, तो सभी साथी इसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी, इसका राइट आंसर है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन होते हैं? एकदम यूनिक है, ये आपके पाठ्यक्रम में है, ये सिलेबस में है और ये पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पर है। अगर आप चाहते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपना एक स्थान फिक्स करना, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इससे जिस ग्रुप में है कुछ सेकंड लगेगा, इन कुछ सेकंड किया गया आपका मेहनत किसी की जिंदगी बना सकता है, किसी को सरकारी नौकरी दिला सकता है। इसलिए अगर आपको लग रहा है ये सीरीज आपके हित में है और इस सीरीज से किसी का सिलेक्शन हो सकता है तो जरूर शेयर करिएगा। लाल नीला हरा, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग का सही जवाब है। फोटोग्राफी के जो प्राथमिक रंग होते हैं वो लाल हरा और नीला होता है, लाल हरा और नीला। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, क्योंकि आप सभी को सिलेक्शन लेना है और ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है, एनसीईआरटी का है और हम पूरी तरह से एनसीईआरटी को ही फोकस करते हैं आपके लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो आप प्रश्न की स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ये वीडियो फेसबुक पेज पर भी लाइव और यूट्यूब पर दोनों पर निशुल्क चलता है, राष्ट्रहित में देश हित में। कैमरा में प्रतिबिंब की जो तीक्ष्णता निम्न में से क्या चीज तय करता है? तो सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग फटाफट करें। कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताएं, बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके आप लोग। देखिए सभी को सिलेक्शन लेना है, कोई ऐसा नहीं है जो सिलेक्शन से वंचित रहना चाहे, तो अपने साथी मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर द्वारक एचआर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का राइट होगा। कैमरा में प्रतिबिंब की जो होती है जिसे हम शार्पनेस कहते हैं, क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा, शार्पनेस कहते हैं, वो किसके द्वारा होता है? जी हाँ एपचर, एपचर का मतलब क्या होता है, किस करता है? एपचर तय करता है, ठीक है, इसलिए एपचर को द्वारक कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ए इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा बार बार उद्देश्य है आपका सिलेक्शन। अगली शिक्षक भर्ती में आपको एक सीट पक्की करनी है और विज्ञान 10 नंबर का आएगा, अधिकतम 36 होती है, जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ जिन्होंने वीडियो को लाइक और शेयर किया ईश्वर की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? एक्स किरणों से, गामा किरणों से, बीटा किरणों से, अल्फा किरणों से। ऐसे प्रश्न आपके यूपीटीटी सुपर पाठ्यक्रम में कई बार यूपीटीटी में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर आपके पाठ्यक्रम में है तो यहां से प्रश्न जरूर आ सकते हैं। इसलिए प्रश्न आने से पहले आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी, आपको सिलेक्शन के लिए राह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको अभी से अपना बेस्ट, अपना बेहतर देना पड़ेगा। तो जल्दी से मेरे साथी मित्र कमेंट करके बताइए, कौन सा अधिकतम जैविक क्षति के लिए किसमें अधिकतम होती है? तो जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी ने एकदम सही जवाब दिया है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा क्या होगा? सभी लोग फटाफट बताइए। देखिए ये होगा गामा किरणें, क्या होगा? गामा किरणें होगा। देखिए जो गामा किरणें होती हैं वे जैविक क्षति होती है, क्योंकि आवृत्ति के सबसे ज्यादा होने के कारण इसकी ऊर्जा समस्त विकिरण में सबसे ज्यादा होती है। इनमें जो होती है आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, जो आवृत्ति होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और जो आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी तो ऊर्जा समस्त विकिरण में सबसे ज्यादा होगी। गामा किरणें शरीर में उत्परिवर्तन, कैंसर ट्यूमर जैसे रोग को जन्म देती हैं, लेकिन इसका प्रयोग करते समय स्वयं कैंसर चिकित्सक की जाती है, तथा फसल के सुधार के लिए उत्परिवर्तित बीजों का भी निर्माण किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए था। अच्छा ये पूछा जाए किस विकिरण का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, तो गामा किरणें का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। अगर इसकी तरंग दैर्ध्य की बात करें तो 10^-10 मीटर से लेकर 10^-14 मीटर तक होता है, मान इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है। इन किरणों में ऊर्जा भी अत्यधिक मात्रा में संचित रहती है, जिससे इसकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इस बात को आप लोग जानते रहिएगा। इस प्रश्न का उत्तर यह सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसमें होता है? गामा किरणें में होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये 10 नंबर आपके जीवन के लिए ऐतिहासिक है। देखिए तारों में का टिमटिमाने का क्या कारण है? सभी साथ इस वीडियो को ध्यान से देखते रहे। देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए
तो आप ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजहन से संचालित की जाती है, जो मेरी तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क होती है, जहाँ पे सभी क्लासेज जिसमें आपको मिल रही हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी क्लास के लिए टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश पे जुड़ सकते हैं। सुबह 7 बजे क्लासेज हैं, शाम के 6 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक आपकी लगातार क्लासेज हैं, जो पूरी तरह से निःशुल्क हैं। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? एकदम आसान प्रश्न है, एनसीईआरटी का है, और मैंने आपको बार बार बताया हम केवल आपको एनसीईआरटी सीरीज पढ़ाते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी सीरीज पढ़नी है तब इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वरना आपके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर अगर देखें तो कुछ लोग अलग अलग बता रहे हैं। देखिए, तारों का जो प्रकाश होता है वो कई प्रकार के वायुमंडलों के परतों से अपवर्तन के बाद हमारे आप तक पहुंचता है। इस कारण तारे जो हैं हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही विकल्प होगा वो डी होगा। वायुमंडल के अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं या टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसलिए इस प्रश्न की जो सबसे सही विकल्प होगी, ठीक है, वो क्या होगा, वह डी का राइट आंसर होगा। देखिए, ये यूनिक प्रश्न ऐसे हैं जिसको एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं यहाँ से या तो हूबहू परीक्षा में आएगा या थोड़े परिवर्तन के साथ आएगा। इसलिए यह सीरीज आपके जीवन की यादगार सीरीज होगी। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने विविध पढ़ा था, उसके बाद भारत का भूगोल, भारतीय संविधान, अब हम लोग 10 नंबर के जो महत्वपूर्ण सीरीज है सामान्य विज्ञान को पढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके बीच है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना पड़ता है? बहुत ही यूनिक प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग से निवेदन है, आप लोग संख्या 10,000 से ऊपर पहुंचाइए। अगर आपको इस बात का भरोसा है आप इस चैनल से सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, तो निवेदन है सभी लोग वीडियो को शेयर करिए। सभी साथी, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, पता है जितने लोग लाइक हैं उतने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। पैसे नहीं कटते यार, लोगों का भला हो जाएगा, कितने गरीब परिवार के पावन हार बनेंगे आप अगर वो भी सरकारी शिक्षक बनेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतजार करते हैं ऐसी क्लासेस को, अच्छा डिफाइन करके पढ़ाया जाए। देखिए, फ्री क्लासेस चलती है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसके अलावा अगर किसी क्लास पढ़नी है तो वहां पे आपको बताया गया होगा। ठीक है, फ्री क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे आपको फ्री मिलती रहेंगी। बाकी टीचरों के माँ बाप हैं, परिवार हैं, मेरी क्लासेज आपको निःशुल्क मिलेंगी। देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है उसका उत्तर क्या होगा, ये होगा कांच से जल में। जब कांच से जल में, देखिए जो विकल्प दिया गया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की जो किरणें होती हैं को पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु कांच से जल के लिए गुजरना होगा, क्योंकि कांच का अपवर्तांक जल से अधिक होता है। कांच का जो अपवर्तांक होता है वो जल की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, कांच का अपवर्तांक जल से ज़्यादा होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यह शर्त होती है कि प्रकाश की किरणें अधिक अपवर्तांक से अपवर्तांक के माध्यम से कम अपवर्तांक माध्यम में प्रवेश करें। मेरी बात समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब अधिक अपवर्तांक के माध्यम से कम अपवर्तांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब वहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसलिए कांच का अपवर्तांक जल से ज्यादा है, इसलिए कांच से जल में से गुजरेगी तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प ए है। इस क्लास की पढ़ने सबसे बड़ा फायदा यह है कि कुछ प्रश्न आपको हूबहू आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा मिलेंगे, नहीं तो इसकी जो व्याख्या है वहां से आपके प्रश्न आएंगे। इसलिए इसकी आपको सबसे बड़ा फायदा यह है कि कम समय में रिवीजन हो जा रहा है, और आपको ये भी पता हो जा रहा है अगर परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे तो कौन से विकल्प को कैसे विकल्प को चयन करना है। इसलिए क्लास आपके जीवन के हमेशा ऐतिहासिक रहती है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण पुंज जो अत्यंत दिशक हो क्या कहते हैं? सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा, सभी लोग, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक हो क्या कहलाती है? सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करके बताइएगा दिशक क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर किया है, उनके पैसे तो नहीं कटेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना हो अगले शिक्षक भर्ती में उनका एक पद जरूर फिक्स हो, क्योंकि वो लोग ये बात को समझते हैं कि इस वीडियो से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका भला हो सकता है। कहीं भी कोचिंग ज्वाइन किए हो, कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन मेरी 9:30 बजे की क्लास कभी भी जीवन मिस मत करिएगा। सरकारी जो शिक्षक बनना ये घमंड नहीं, ये गर्व की बात है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर लेजर होगा।
ये प्रकाश किरण पुंज अत्यंत दिशिक तथा सुसंगत होती हैं, ये दिशिक भी होती हैं और सुसंगत भी होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे, बचपन में इससे खुरापात भी किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो प्रकाशी दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि, प्रकाशी दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्यों, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे, क्योंकि आप सभी को सिलेक्शन लेना है, आप सभी को अगले शिक्षक भर्ती में एक स्थान लेना है, ठीक है। सभी जो क्लास खत्म होती है उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलती है, सभी साथी दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग में दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पर इसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पे 24 घंटे के बाद आपकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाती है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। पीडीएफ में उत्तर नहीं रहता, क्योंकि उत्तर व्याख्या हम आपको यहां पे कर देते हैं, इसलिए क्या केवल वहां पे आपको प्रश्न की सीरीज मिलती है। प्रकाशी दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि, आइए बात करते हैं, वे मंदाकिनी गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते हैं। सही बात, वे मेघाच्छादित जो मेघाच्छादित बादल में काम करते हैं और रात के दौरान काम करते हैं, इसलिए सही है। इस प्रकार इसका प्रश्न का होगा उपयुक्त सभी, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर डी का राइट आंसर होगा। मतलब जितने लोगों ने इसका उत्तर ऑल ऑफ डीज बताया था, उपयुक्त सभी बताया था, उन सभी के प्रश्नों के जवाब पूरी तरह से सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करेगा, अगर आप इस क्लास से संतुष्ट हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट चाहे तो कर ले आप। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सबसे पहले टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा। एकदम यूनिक प्रश्न है, एनसीईआरटी कक्षा 6 का प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग, सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि यह प्रश्न एनसीईआरटी का है और हम आपके लिए एनसीईआरटी की सीरीज लेकर आए हैं और यह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये क्लास आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी जब परीक्षा से बाहर निकलेंगे, मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग आपके मन से जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोगों ने गैलीलियो बताया, हम भी इसको गैलीलियो ही लगाते हैं। गैलीलियो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने टेलीस्कोप के माध्यम से रात में आसमान देखा था। रात में क्या देखा था? आसमान देखा था। एक प्रश्न कल से आ रहा है कि सर हम आपकी क्लास फ्री देखे, तो भैया बाकी टीचर की अगर क्लास देखनी है तब उसके लिए ऑनलाइन लर्निंग दुर्गेश पे जोड़ सकते हैं, मेरी क्लास यहाँ पे निःशुल्क चलती है। तो आपको इतना पढ़े लिखे हैं, सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो बुद्धि और दिमाग होना चाहिए। कल से आप इस प्रश्न को लेकर बार बार परेशान कर रहे हैं, भैया बाकी टीचर के परिवार हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, और लोग कहाँ से करेंगे, सबका रेंट कहाँ से जाएगा, तो उनके लिए आप ज्वाइन करिए ना, मेरी क्लास तो यहाँ पे निःशुल्क चल रही है ना, अगर निःशुल्क पढ़ना ठीक है, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसके लिए ऑफिस के नंबर पे बात करिए लर्निंग विद दुर्गेश के ना, यहाँ पे निःशुल्क मिल रहा है तो पढ़िए आप, दूसरों को पढ़ने में डिस्टर्ब करें, बार बार एक ही मैसेज टाइप करें, भैया सिलेक्शन के लिए लोग पढ़ने आते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, बाकी के माँ बाप हैं, परिवार हैं, आप लोग शिक्षक भर्ती क्यों पढ़ाएंगे? पता नहीं कौन बार बार कमेंट कर रहा है। निम्नलिखित में क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबके माता पिता होते हैं, सब अपने दो वक्त की रोटी के लिए पढ़ाना सबकी मजबूरी होती है, शौक नहीं होती, सब गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं लेकिन सबकी मजबूरियां होती हैं। आप क्यों प्राइवेट में लोग पढ़ाते हैं? क्योंकि उनके माँ बाप को कौन देखेगा, उनके बच्चों को कौन देखेगा, तो जो हमारे अध्यापक ज्वेलरी में दुर्गेश पर जाके पढ़ाएंगे उनके कहाँ से आएगा? क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न के बारे में बताऊं, देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बैंगनी प्रकाश। बैंगनी प्रकाश का रंग अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में स्लो चलता है, न्यूनतम वेग से चलता है, लेकिन श्वेत प्रकाश के सभी रंगों की तुलना में बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तक सर्वाधिक होता है, अर्थात बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तक अधिकतम होता है, यह बात आपको जानना होगा। इसका सूत्र भी निकाल सकते हैं कि एन वी बराबर सी बटा वी, निरात में प्रकाश की चाल बटे कांच में बैंगनी प्रकाश की चाल, तो ये हम लोग आगे पढ़ के निकाल लेंगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बैंगनी प्रकाश इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बैंगनी प्रकाश इसका सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये है डायोप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शायद शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है। डायोप्टर
निम्नलिखित में से किसकी एसआई मात्रक है? एसआई का ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं उन सभी का गलत नहीं होगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखिए कुछ लोगों ने इसके पहले कहा, देखिए यहां पे एक प्रश्न ऊपर था, न्यूनतम वेग कांच में संचलन। यहां पे दो बातें, बैंगनी रंग का अन्य प्रकाश की तुलना में न्यूनतम वेग होता है, यहां पे क्या पूछा है? वेग पूछा है। लेकिन अगर ये पूछेगा अपवर्तन, बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, यहां पे वेग पूछा है। क्या पूछा है? वेग। देखिए डायोप्टर जो है किसकी इकाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शायद मुझे लग रहा है आपको पता होना चाहिए। डायोप्टर जो है वो लेंस की शक्ति है, क्या है? लेंस की। और लेंस की क्षमता माने लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, इसको कहते हैं पी। तो पी बराबर 1/f, ठीक। लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम के लेंस की क्षमता कहती है। यदि किसी लेंस को फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता p/1/f डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर होती है, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, डायोप्टर किसकी इकाई है? मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न में गलती नहीं करेंगे, सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करके बताइए डायोप्टर किसकी इकाई होती है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेंस की क्षमता का, क्या होती है? लेंस की क्षमता का डायोप्टर इकाई होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एनसीईआरटी का है, क्योंकि आज की प्रश्न की जो सीरीज है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी पर है, ठीक है, एनसीईआरटी साइंस, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा सिलेक्शन जो आपको लेना है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, डायोप्टर है। अगला है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु क्या है? यह रट्टा मार दीजिएगा, क्योंकि यहां से ऐसे प्रश्न है जो आपके सीधी परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु होता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और मेरा आप सभी से निवेदन है, जो लोग बात कर रहे हैं ना वो क्लास में बात मत करें, क्योंकि ये चैटिंग करने का अड्डा नहीं है। यहाँ पे आप लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने माँ बाप की प्रमुख उम्मीद है, उनका सपना साकार करने के लिए पढ़ने आए, तो आपसे निवेदन है कि यहाँ चैटिंग करने के लिए आप व्यक्तिगत जाके चैट करिए, यहाँ पे केवल पढ़ाई की बात करिए। उसके अलावा अगर आपको बात करना है तो वीडियो के बाहर चलिए, चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए, बुरा लग रहा है तो उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आपको केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु क्या होती है? ये सारे यूनिक प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाते हो तो हमें इसकी तैयारी भी करनी होगी। ये होगा 25 सेमी से अधिक, माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, ठीक। दूसरी बात आप लोग हमेशा ये जानना चाहिए, शायद आप लोग को पता भी होगा कि नेत्र के सामने व निकटतम दूरी जहां पर रखी जो वस्तु है आंख से अस्पष्ट दिखाई देती है उससे हम नेत्र की आंख की अस्पष्ट दृष्टि दूरी कहलाती है। सामान्य आंख के लिए यह 25 सेमी होती है, सामान्य आंख के लिए ये कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। एक प्रश्न आपका तैयार हो गया कि सामान्य आंख के लिए अस्पष्ट जो दृष्टि होती है 25 सेमी होती है, इससे आंख का निकटतम बिंदु कहते हैं, इसे आंख का निकटतम बिंदु भी कहते हैं। दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 25 सेमी से अधिक दूरी का होता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, शायद ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो, अगर भर्ती परीक्षा में आपके प्रश्न आएगा कभी यकीनन गलत नहीं होगा, ठीक है। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, भविष्य में कभी भी गलत मत करिएगा, शिक्षक भर्ती में हो सकता है जो कहता हूं आपके प्रश्न आ जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ईश्वर करे आप लोग सिलेक्शन ले और बाहर से प्रश्न आने पाए। हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी के हर वो यूनिक प्रश्न के बीच लेकर आते हैं, आपके परीक्षा में संभावित हो सकते हैं, तो भरोसा बहुत बड़ी चीज है। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं? एकदम यूनिक प्रश्न है, एक अच्छा 9 की एनसीईआरटी है, ये कक्षा 9 की एनसीईआरटी है, जरा सभी लोग कमेंट करके बताएं। एक बार सिलेबस खत्म हो जाने दें, निशुल्क क्लास में दोबारा पढ़ाएंगे, तिबारा पढ़ाएंगे जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए। मोबाइल में लगा लीजिए अलार्म 9:30 बजे, सुपर टेट की क्लास अनंत समय तक चलती रहेगी जब तक आपको अंतिम रूप से नियुक्ति ना मिल जाए।
उसके बाद भी हम आपको निःशुल्क पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि बस एक ही तमन्ना है, आप अपने माता पिता का सपना साकार करें। देखिए उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं, उसे अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। इसमें आंख के गोलक की जो वक्रता होती है जिसमें प्रतिबिंब का एक भाग रेटिना पर सही रूप में फोकस करता है, माने रेटिना एक भाग में सही फोकस होता है लेकिन दूसरे में रेटिना में धीरे फोकस होता है, मंद होता है, और मुख्य प्रतिबिंब के अतिरिक्त पास में ही एक दूसरा परंतु कम तीव्रता का प्रतिबिंब बन जाता है, इसे अबिंदुकता के नाम से जानते हैं। यह आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, अबिंदुकता। चाहे तो ऐसे प्रश्नों की स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल देंगे, आपके साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब देंगे फेसबुक पे, तो बहुत सारे लोग अपना जवाब देंगे, अपना फीडबैक देंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किसी कार्य स्थिति में दूर की चीजों को फोकस से हटकर दिखाई देती है। मैं 69 जैसे शिक्षक भर्ती में चयन होने के बाद, मैं अपने समय में बेसिक परिवार को देने के बाद आपकी क्लास को निशुल्क पढ़ाने के लिए आता हूं। मैं भी आराम कर सकता हूं, सो सकता हूं, लेकिन मुझे एक है कि मैं अगर अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को आपके साथ साझा करूंगा, अगर आप सभी इस मुकसिम में कामयाब होंगे तो मुझे कितना पुण्य मिलेगा, आपके माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, आपका मिले या ना मिले लेकिन आपके माता पिता का, उस समाज का मिलेगा, जैसे समाज में आप जैसे शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को करने के लिए सहायक अध्यापक अध्यापिका के रूप में जाएंगे। मुझे उस बात के लिए मैं टाइम से लाइव आ जाता हूँ, बस इसीलिए क्योंकि आप सभी को, आप सभी के माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आप तो लाइक ही नहीं करते, शेयर नहीं कर सकते आशीर्वाद की, तो बात ही दूर की है। किसी स्थिति में दूर की चीजों को फोकस से हटकर जो दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। बहुत ही यूनिक प्रश्न है, उसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति के निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। पता ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर न बनकर उसके नजदीक, उसके आगे बनता है, किसी बिंदु पर बन जाता है। ऐसा होने का दो कारण है। पहला कारण अगर हम जानेंगे, नेत्र का गोलक व्यास सामान्य से अधिक हो जाता है, या दूसरा कारण होता है नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाने से। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, एकदम रट्टा मार लीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। एकदम एनसीईआरटी से सारे प्रश्न निकाल निकाल के लाए जाते हैं, पता है मैं पूरे हर एक समय आपके लिए अपना बेस्ट देता रहता हूं। मुझे इस बात का बस इतना ही खुशी है कि आपका सिलेक्शन जिस दिन हो जाएगा, आप कुछ करें या ना करें, बस आपके माता पिता खुश होंगे। उनकी खुशी कितना देखने योग्य होगी वो केवल कल्पना करके सोचिएगा। जिस दिन को ये पता चलेगा उनके बेटे, उनकी बेटी, उनके परिवार का, उनका भाई इस भर्ती शिक्षक में अगली एक पद लेकर आ रहा है। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल पर नहीं पहुंच पाता। किस कारण नहीं पहुंच पाता? एकदम आसान प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा ओजोन परत। ओजोन एक गैस होती है जिसे O3 कहते हैं। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि ओजोन गैस की खोज किसने की थी, तो क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोनविन, ये इन्होंने इस गैस की खोज की थी जिसे हम O3 कहते हैं। क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोनविन का पूरा नाम था, जिन्होंने ओजोन गैस की खोज की थी। जबकि ओजोन क्षय का पता सबसे पहले ब्रिटेन के फोरमैन ने लगाया था। तो वायुमंडल में ओजोन गैस की वजह से नहीं पहुंच पाती। ठीक, क्लियर हुआ? सभी लोग बताइए, समझ में आया ना? चलिए हम आगे चलते हैं। फोरमैन ने सबसे पहले क्षय का पता लगाया था। ठीक है, चलिए अगला है,
वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करेंगे, सभी लोग, सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करिएगा। देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर बात करिए, ये लेने पे दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है। आपको यहाँ से अन्य विषय की क्लासेज की नोट्स के विषय में जानकारी चाहिए वो पूछ सकते हैं। मेरी क्लास आपको निःशुल्क मिलती है, सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ सब कुछ फ्री मिलेगा। टेलीग्राम पे लिंक है दुर्गेश सर सर्च करके जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां से जुड़िए, या दुर्गेश सर बिना स्पेस के सर्च करके ऐड हो सकते हैं। ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं। एकदम आसान प्रश्न है, परावैगनी किरणों से अल्ट्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज। इसे हम परावैगनी किरणों के नाम से जानते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या? परावैगनी विकिरण से। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। किसमें मदद करती है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी जल्दी। देखिए ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में, कौन से मंडल में है? समताप मंडल में है। समताप मंडल की ऊंचाई अगर देखा जाए तो लगभग 18 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन अगर ओजोन परत की बात की जाए, ओजोन लेयर की अगर हम बात करें, तब इसकी ऊंचाई कितनी है? ये लगभग 32 से 50 किलोमीटर है ओजोन परत। ये ओजोन गैस होती है, ठीक है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले जो हानिकारक होती है परावैगनी किरणें होती है उन्हें अवशोषित कर लेती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी का सही जवाब होगा। तो जरा कमेंट करके बताइए क्या सबको समझ में आ रहा है, सबको जो लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को। ओजोन 6 दिवस कब मनाया जाता है? सबसे बड़ा ओजोन छिद्र कहां पे है? ये दोनों प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। दोनों प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हानिकारक परावैगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत क्षय के कारण कौन सी गैस है? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है, बताइए सभी लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी। देखिए जब आप लोग पढ़ते हैं ईमानदारी से, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वायरस टाइप के होते हैं, आते वीडियो को वो बिना देखे दूसरे कमियां निकालते हैं, पहला कमा लाइक करते हैं, वो लोग पूरे जीवन काल ऐसे ही करते रहते हैं। पता है अगर आप अध्यापक हो जाते हैं, अगर आपके कलम में ताकत मिल जाती है तो क्या आप जज होते हैं तो क्या उसे हर किसी को फांसी देंगे? नहीं, अगर आपके पास ताकत है उसे राष्ट्रहित में काम करिएगा। तो शिक्षक बनने के बाद पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपने क्लास में पढ़ाइएगा बस। जितने लोग ईमानदारी से मेहनत से पढ़ रहे हैं बाकी अल्लाह ही करने वाले पूरी जिंदगी ऐसे करते रह जाएं क्योंकि उनका काम यही है। और ऐसे लोग अगर बेसिक शिक्षा में जाएंगे तो और बर्बाद कर देंगे। इतना अच्छा फल फूल रहा है हमारा बेसिक शिक्षा परिवार और आप जैसे लोगों की जरूरत है, सभी अच्छे लोगों की। देखिए इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये प्रश्न आता है कि सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये नाइट्रोजन है जो है 78.08% है। पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस है तो नाइट्रोजन है, और इसी की वजह से आग नहीं लग पाती। और जितने भी पेड़ पौधे प्रोटीन देते हैं हमें, वे सभी जमीन से नाइट्रोजन लेते हैं। जैसे सोयाबीन की बात कर ली जाए, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95% है, लगभग 21% ये पूरे वायुमंडल में दूसरे स्थान पर है। इसे हम प्राण वायु के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर ओजोन गैस है जिसे हम O3 के नाम से जाते हैं, जिसकी खोज क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोनविन नामक विद्वान ने किया था, और यह औद्योगिक कचरों से निकलता है। अगर मैं पूछूं कि सीएफसी का उत्सर्जन कहां से होता है, ठीक है, देखिए ये प्रकाश का प्रश्न है और प्रकाश में भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का प्रश्न आ गया, भूगोल में पर्यावरण का प्रश्न आ गया, तो ये आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में है क्योंकि किरणें आ रही है ना, किरणें प्रकाश। तो बताइए क्लोरोफ्लोरो कहां से निकलती है? रेफ्रिजरेटर से निकलती है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे स्क्रीनशॉट कर लें। अगला है वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? इस बात की गारंटी अगर इससे बेहतर कहीं क्लास आपको मिल जाए पूरे यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इससे बेहतर शिक्षक भर्ती के लिए कहीं कोई पढ़ा दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कैरियर से बढ़कर ये वीडियो नहीं है, नहीं ये क्लास है। क्योंकि आपको अगली शिक्षक भर्ती में अपना एक स्थान रिक्त रखना है, एक पद आपको चाहिए। तो बता भैया फटाफट, वर्णांधता जिसे हम कलर विजन के नाम से जानते हैं,
कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं का दोष जो होता है कैसे होता है। सभी साथी कमेंट जरूर करिएगा, जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग बताइए का जवाब क्या होगा। कुछ लोग बता रहे हैं, देखिए जी हाँ बहुत लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जन्मजात होता है, ये अनुवांशिक रोग है। ये कौन सा रोग है? अनुवांशिक रोग है। कौन सा रोग है? ये अनुवांशिक रोग है जिसमें कुछ रंगों में लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाते। इसे किसी भी लेंस का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये जीवन पर्यंत रह जाता है, इसमें अंतर नहीं कर पाते। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है उन सभी का ये जेनेटिक होता है, यहाँ पे किसी लेंस से ठीक नहीं होता, ये पूरे जीवन काल चलता रहता है। ये जब तक इंसान मर न जाए तब तक ये रोग खत्म नहीं होता। जी हाँ, 9:30 बजे शिक्षक भर्ती की स्पेशल क्लास आपके लिए चलती है। हम आगे बढ़ने के लिए प्रश्न की तरफ, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने मिनट में पहुंचता है? सभी साथी जल्दी से कॉमेंट करके जवाब दीजिएगा। अन्य किसी भी क्लास के लिए आप इस नंबर पर जानकारी कर सकते हैं। ये इलर्निंग विद दुर्गेश के जौनपुर जनपद के ऑफिस का नंबर है। मेरी क्लास आपको निशुल्क मिलती है, सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगा। क्लास खत्म होने 24 घंटे बाद ये PDF मिल जाएगी आपको, जिसका उपयोग आप लोग परीक्षा के समय भी कर सकते हैं। और अन्य सभी क्लास टेट सीटेट सुपर टेट जो भी क्लासेज है सभी निःशुल्क आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती है। और ये क्लास 9:30 बजे से है स्पेशल शिक्षक भर्ती की। सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में आता है? अगर सेकेंड पूछता तो क्या होता आपको पता है? 500 सेकंड। इसका उत्तर होता है 500 सेकंड। लेकिन ये सेकंड में नहीं दिया है, जब सेकंड में नहीं देगा तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तब इस प्रश्न का उत्तर होता है 8 मिनट लगभग। कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड होता है, कहीं 20 सेकंड होता है, कहीं 18 सेकंड होता है, लेकिन यहां पर अगर सेकंड में पूछेगा तो 500 सेकंड या आपका 8 मिनट होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिलेक्शन लेना है आपको, अगली शिक्षक भर्ती में एक स्थान फिक्स करना है आपको। प्रश्न पूछने का तरीका बदल रहा है, कभी कभी सेकंड में पूछता है, कभी मिनट में पूछता है, कभी दोनों के साथ पूछता है। मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। लैबर्ट नियम किससे संबंधित है? बहुत ही यूनिक प्रश्न है ये, समझिए। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कितना यूनिक है, अगर आप वास्तव में अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इस बात का जरूर आभास हो गया होगा। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा। सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा, और आप हो सके तो इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाइएगा, अपने माता पिता को दिखाइएगा, ताकि आपके परिवार आपके मित्र देखें और उनका भी आशीर्वाद हमें मिलता रहे और हम और अभिप्रेरित होते रहे स्वयं से। लैबर्ट का नियम क्या है? देखिए लैबर्ट का जो नियम है, प्रदीप्ति का नियम है, कैसे जो लैबर्ट का कौन सा है, कोज्या का नियम था, इनका किसका नियम था, ये इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा था। इंटर मेरा PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स था, और प्रकाशिक में लैबर्ट को के कोज्या नियम के अनुसार किसी भी लैबर्टी तल से विकसित की तीव्रता या प्रक्षेपित मान उस तल के लंबवत रेखा तथा प्रेक्षक की दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होता है उससे कोज्या के समानुपाती होता है, जिसे हम प्रदीप्ति के नाम से जानते हैं, ऐसे प्रदीप्ति के रूप में कहेंगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी होगा। आपको शायद जानकर रहनी होगी, मुझे इंटर में केमिस्ट्री में 94 मिले थे, फिजिक्स में 90, मैथ में 79 और हिंदी में 76, सबसे कम 62 मुझे इंग्लिश में मिले थे, ठीक है। तो ये तीन मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। आगे चलकर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो गई जब मैं तैयारी करना शुरू किया। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? 402 थे टोटल मार्क्स। सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर देखकर जान सकता है? केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा थे, 94 थे, फिजिक्स में हमारा 90 था और मैथ में 79 और 76 हिंदी में था, 62 इंग्लिश में था, 4 विषय में डिस्टेंशन मार्क था 5 विषयों में। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर कैसे देखकर जान सकता है? आप कैसे जान पाएंगे? सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा।
देखिए लेंस की लंबाई और आकार देख के, भैया आप भी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी देखकर यंत्रों में जान सकते हैं ना लेंस की लंबाई और आकार देखकर। ठीक है जी, मैं ग्रेजुएशन किया बीए से, इंटर जो था वो पीसीएम था, तो हमें दोनों की जानकारी हो गई, पीसीएम भी हो गई ग्रेजुएशन में। यहाँ पे हमने इकोनॉमी लिया, जियोग्राफी लिया और पॉलिटी लिया, तीन विषय भी जान गए हम। ठीक है आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग मेहनत करिए, सिलेक्शन लेना, आपको सरकारी नौकरी करनी है। सरकार प्रक्रिया में परिवर्तित परिवर्तन निहित है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं था, किसमें बताइए सभी लोग कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं था, देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अगर परिवर्तन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ मैं इसकी व्याख्या कर दूं कि जो प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें पौधे अपने हरे रंग पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि से जल, लवण, जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, माने सौर ऊर्जा का और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर सी होगा, एकदम आसान उत्तर है इसका, मुझे लग रहा है सभी ने सही बताया, किसी को गलती नहीं हुआ होगा। हम और आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश तरंग है, सभी लोग कमेंट करिएगा, ऐसा प्रश्न शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है। प्रकाश तरंगे हैं, वैद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, स्थित वैद्युत तरंगे, क्या होगा, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि सभी लोग को भैया अपना बेस्ट देना है। देखिए ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी, क्या होगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के अंदर होती है। प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है, तरंग या कण, तरंग प्रकृति से प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण आदि की व्याख्या हो जाती है, जबकि कण प्रकृति से प्रकाश विद्युत प्रभाव, कापटान आदि की व्याख्या होती है। तो प्रकाश का मूल कण फोटान है, जानते रहिएगा, प्रकाश का मूल कण क्या है, फोटान है। पता है जब हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो सबसे पहले फोटॉन की वहां पे व्याख्या की जाती है, तो जब कभी आप लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग व्याख्या जरूर करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं। बहुत ही यूनिक प्रश्न है, मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी कमेंट करें। ये एनसीईआरटी कक्षा 8 का सवाल है, एनसीईआरटी क्लास 8 में है ये, जी हाँ ये क्लास 8 का प्रश्न है। सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा क्योंकि वीडियो आपके जीवन के ऐतिहासिक है, शेयर जरूर करिएगा। देखिए क्लास खत्म होने के 24 घंटे के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे बिना स्पेस के दुर्गेश सर सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी और इलेनी पे दुर्गेश पे जुड़ जाएंगे। और ये शिक्षक भर्ती की अन्य क्लासेज भी चलती हैं, लेकिन लाइव क्लासेज मेरी 9:30 बजे प्रतिदिन चलती है, धूप हो छाया कुछ भी हो क्लास जरूर मिलेगी। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए जब इसके बारे में व्याख्या हम जरूर कर लेते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बहुलित आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन इसका राइट आंसर होगा। ठीक चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अच्छा ये छोड़ देते हैं, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से कौन सा रंग दिखाई देता है, रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर क्या होता है, सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करिएगा। सभी लोग भैया 500 लोग से ज्यादा लाइव देख रहे हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक दिन संख्या 10,000 के पार जाएगी अगर मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। देखिए साबुन के बुलबुले पर
देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। साबुन के बुलबुले पर व्यक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग जो दिखाई देते हैं उसके पीछे व्यक्तिकरण व्यतिकरण है, व्यतिकरण का सिद्धांत है। जब सफेद बुलबुले पर प्रकाशित किरणें साबुन के बुलबुलों पर पड़ती हैं, सफेद किरणें साबुन के बुलबुलों पर पड़ती हैं, तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होते हैं और हमारी आंख की ओर लौटती हैं। दोनों सतहों से आंखों तक तो पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूहों के कलाओं से सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यतिकरण होता है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या होता है, रंग दिखाई देते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहां पे है? परावर्ती दूरबीन कहां पे है? सभी साथी एक बार कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी जरूर कमेंट करेंगे, सभी साथी, क्योंकि आप सभी को सिलेक्शन लेना है, आप सभी को सरकारी नौकरी करनी है, अपने मां बाप का नाम रोशन करना है, इसलिए अपना बेहतर देते रहिए। ठीक, देखिए एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहां पर है? यह भौतिक विज्ञान का एक अध्याय है, प्रकाश। उस अध्याय में लेंस, प्रकाश, दर्पण, इन सभी को हमें पढ़ना है और हम प्रयास से जरूर करेंगे। जुनाटी के प्रश्न है आपके लिए, तो कमेंट करके बताइए क्या होगा यहाँ पे। जरूर वीडियो को लाइव देख रहे बताइए सभी लोग कमेंट करके। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही, क्योंकि मैंने आपसे वादा जो किया है। ये होगा कवालपुर, कवालूर है ये। ये यहां पर अगर हम देखें तो BVO वेणु बापू, मतलब वेणु बापू वेदशाला, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान द्वारा प्रचलित खगोल की वेदशाला है। ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। ये कहां पर है? ये तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कवालूर में है। कौन से जिले में? वेल्लोर जिले में है। कौन से जिले में है? वेल्लोर जिले में है। ये कहां पर है? ये वेल्लोर जिले में है, और वेल्लोर जिला के तमिलनाडु में कवालूर में है। एशिया का विशालतम परावर्तित दूरबीन होने का गौरव मिला है। इस दूरबीन का अगर व्यास पूछ दिया जाए कि इस दूरबीन का व्यास क्या है, तो व्यास कोई बता सकता है कितना है? 2.3 मीटर इस दूरबीन का व्यास है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। गलती मत करिएगा कभी भी यहां से प्रश्न अगर आए आपके परीक्षा में। ठीक, अगला प्रश्न आपके लिए, समुद्र की सीपी किस प्रकार से सुनहरी दिखाई देती है? बहुत ही यूनिक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यह वीडियो जहां भी आप देख रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, पूरी तरह से आपके लिए निःशुल्क चलती है। यह क्लास आपको जौनपुर जनपद से संचालित की जाती है। अगर आपको अन्य क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, PDF क्लास नोट्स, ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, लेकिन हमारी सभी क्लासेज आपको निःशुल्क मिलती हैं। देखिए समुद्र की सीपी, सोचिए NCERT के सारे प्रश्न आपके NCERT में हैं, और अभी तक अगर आपने NCERT नहीं पढ़ा है तो आज आपका NCERT पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर इस प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पर सीपी की बात की जाए, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा पता है आपको? ध्रुवण। समुद्र की सीपी का सुनहरी दिखाई देना ध्रुवण की घटना होती है। ये NCERT में है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। अगला है, 3D फिल्म देखने के लिए चश्मा जो होता क्या होता है? ये भी NCERT में है। सभी क्लासेज की जो सीरीज आपकी चल रही है ये पूरी तरह से NCERT है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों ने अभी तक कहीं कोई गलती की है तो सुधार करिए, यहाँ पे सभी प्रश्न का जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पे गलती होगी आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन सोचिए अगर ये गलती परीक्षा हाल में करेंगे तो कितनी बड़ी दुखदाई होगी। मेरिट पॉइंट में बढ़ता है, उनको भी सिलेक्शन लेना है जिनके गुणांक कम है, उनको भी सिलेक्शन लेना है जिनके गुणांक ज्यादा है। तो मैं, ये सबकी एक दूसरे से फाइट है, सबको बस एक पद चाहिए। तो बताइए फटाफट कमेंट करके, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा कौन सा होता है? तो भैया 3D फिल्म देखने के लिए पोलेराइड होता है। क्या होता है? पोलेराइड। क्या होता है? पोलेराइड जो होता है। और यहां पे इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि इसमें पूर्व में लाल हरे,
लाल नीले रंग के चश्मे का प्रयोग होता था, पहले लाल हरा लाल नीला, लेकिन 3D फिल्म देखने के लिए वर्तमान में पोलेराइज्ड लेंसों द्वारा LCD चश्मे का प्रयोग होता है। ये लेंस होता है, लेंसों द्वारा LCD चश्मा का प्रयोग होता है, ये पूरी बात जानते रहिएगा, नहीं तो गलती जरूर होगी। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश का वेग कितना होता है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सही लोग कमेंट करके चल बताएंगे। देखिए एक प्रश्न आपको बताना जरूरी है कि एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ओले क्रिस्टेनस। ये कहां के थे पता? ये डेनमार्क थे। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे, इनका पूरा नाम लिख दें, ओले क्रिस्टेनस रोमर थे, क्योंकि आजकल परीक्षा में खाली रोमर दे देगा तो घबरा जाएंगे आप लोग। रोमर ये कहां के थे? डेनमार्क थे। ये डेनमार्क थे, इन्होंने सबसे पहले 1676 में कौन सी बृहस्पति, कौन सी ग्रह, बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों को देखने के लिए, उपग्रहों को देखने के लिए, देखने के लिए प्रकाश का वेग ज्ञात किया था, प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। काफी महत्वपूर्ण बात है, और सोचिए ये केवल आपको NCERT में मिलेगा। कौन? ओले क्रिस्टन रोमर, ये कहां के थे? डेनमार्क थे। इन्होंने सबसे पहले प्रकाश का वेग ज्ञात करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल दो होती है, एक मीटर में होती है और एक किसमें होती है? किलोमीटर में होती है। अगर यहां पे मीटर प्रति सेकंड पूछेगा तो 3×10 खाते, लेकिन अगर यहां पे 3×10^5 किमी प्रति सेकंड, यह भी उत्तर होगा और यह भी उत्तर होगा, लेकिन जब किमी कहेगा ये और अगर मीटर कह दिया तो 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, मतलब 3 लाख किमी प्रति सेकंड, माने एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है दूरी। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो इस प्रश्न के स्क्रीनशॉट कर ले, ये आपके ऊपर है, दोनों याद रखिएगा, कभी परीक्षा में ये पूछता, कभी परीक्षा में ये पूछता, कभी परीक्षा में ये पूछता, ये तीनों आप रट्टा मार दीजिएगा, क्योंकि कभी परीक्षा में गलती ना होने पाए। मैं आपको, ये क्लास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको यहां से सब चीजें पता चल जाएंगी कि क्या कैसे हो सकता है, परीक्षा में इस टाइप से पूछ दे, हो सकता है परीक्षा में इस टाइप से पूछे इस टाइप, लेकिन तीनों सही है। ये मीटर में, किलोमीटर में, एक लाख में लिख दिया, बस इतने अंतर है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है, एक बार कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी एक बार कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। सभी साथी, सभी लोग एक बार इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि आप सभी को सिलेक्शन लेना है, आप सभी को सरकारी नौकरी करनी है, तो सभी लोग जरूर जवाब देंगे। देखिए अगर हम दर्पण की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का जवाब एकदम सही दिया है, और हमें बड़ी खुशी हो गई है कि आप सभी लोगों ने इतना अच्छी तरीके से प्रश्नों का जवाब दिया है। चलिए हम आगे देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर गोली दर्पण होगा। क्या होगा? गोली दर्पण होगा। देखिए जो गोली दर्पण होता है, किसी खोखले गोले के, गोले दो प्रकाशक होते हैं, एक उत्तल एक अवतल होता है। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे बाहरी सतह से, अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए आंतरिक सतह से होता है, बस इतना ही अंतर होता है उत्तल और अवतल। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, ताकि टांगे वास्तविक
टांगे जो है वास्तविक आकार की दिखाई देती है, दर्पण के अंशों की शेप कैसी होती, माने कैसे होती अगर वास्तविक आकार की दिखाई देती तब कैसी होती, बताइए कमेंट करके बताइए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग जब जवाब देते हैं तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है, मुझे भी अच्छा लगता है चलिए आप लोग कितनी मेहनत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। चलिए यहां पे ध्यान देने जो बात है, उत्तल एवं समतल। दर्पण के ऊपर का भाग उत्तल होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर का वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देगा, जबकि दर्पण के नीचे का भाग समतल होने पर टांगे वास्तविक दिखाई देंगी। देखिए इसमें छोटा दिखता है और इसमें वास्तविक दिखता है, ठीक है। तो नीचे का भाग अगर समतल होगा तो टांगे वास्तविक आकार के दिखाई देंगी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह सी का राइट आंसर होगा, ठीक है। कार के साइड मिरर को कल हमने पढ़ाया था और अभी आगे भी पढ़ाएंगे, अगर कल की क्लास आपने लिया होगा एकता जी तो ध्यान से पढ़ा होगा, कल मैंने ये बात को बताया था। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाहन के पीछे आने वाले वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एकता जी आपका प्रश्न आपके सामने आ गया, बताइए। अभी आपने इसी प्रश्न का चर्चा किया था, सभी लोग कमेंट करिए। वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका होगा उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एकदम याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिससे वाहन चालक इस प्रकार के शीशे का प्रयोग काफी बड़े क्षेत्रों को देखने के लिए करते हैं, इसलिए प्रश्न का उत्तर सी होगा। तो जितने लोगों ने उत्तर सी दिया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। तो कितने लोगों को क्लास समझ में आ रही है वो जरूर कमेंट करें, कितने लोग अपने साथी मित्रों को 10 लोगों को कल की क्लास में जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न आया कि वाहन चालक हेतु पश्च दृश्य दर्पण क्या होता है, बताइए। चलिए बताइए इसका क्या होगा, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, सभी लोग पर कमेंट जरूर करिएगा। देखिए वाहन चलन तो वही सेम उत्तर आएगा, अभी जस्ट ऊपर आप लोगों ने बात किया। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कारों के हेडलैंप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, हेडलैंप याद रखिएगा, कारों का जो हेडलैंप होता है, ये सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम में है और ये पूरा एनसीईआरटी है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो क्लास पढ़ते चलिए, आपका एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा, बताइए कमेंट करके। सभी लोग देखिए जो वाहन के हेडलाइट की जो दर्पण होती है वो कैसी होती है, परवलिक अवतल होती है, परवलिक अवतल होती है। वाहनों के हेडलाइट में जो परवलिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये परवलिक अवतल दर्पण, जो परवलिक अवतल दर्पण होते हैं, किसी दूर क्षेत्र स्रोत से ऊर्जा को एकत्रित करके उसे उभयनिष्ठ नाभिकीय बिंदु तक जाने में प्रयोग किए जाते हैं। हेडलाइटों में जो परवलिक अवतल दर्पण होता है, ये ऊर्जा को बाहर के समानांतर किरण पुंज के रूप में भेजते हैं, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इससे मिलता जुलता है, वाहनों के अग्रदीपों में हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल होता है, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है, बताइए कमेंट करके। सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करके बताएं। देखिए वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है, ठीक, तो वहां पर परवलीय दर्पण इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आज के लिए इतना ही, हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट संबंधित कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है। ये क्लासेस प्रतिदिन 9:30 बजे निःशुल्क चलती हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जो कल पुनः 9:30 बजे विज्ञान की अगली सीरीज को लाइव पढ़ने के लिए रहेंगे। ये सभी क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिलेगी।
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, चाहे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे, तो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर्च करके इन लर्निंग पे दुर्गेश पर देख सकते हैं। और इसके अलावा सुबह 7 बजे आपके लिए साइंस की क्लास चलती है, जो आपके अपर टेट और सुपर टेट में भी काम आ जाएगा, सीटेट के लिए भी। शाम के 6:15 बजे आपके लिए 6 बजे सामान्य अध्ययन की सीरीज चलती है, जीएस की, जूनियर की। और उसके बाद 7 बजे आपकी सीटेट की, 8 बजे आपकी यूपी टेट, 9:30 बजे सुपर टेट। तो सभी क्लासेज आपकी फिक्स है, निःशुल्क है, ठीक है। दूसरी बात, किसी को क्लास निःशुल्क क्लास के अलावा, इस टॉपिक के अलावा अगर किसी टॉपिक पे बात करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर ले, ठीक है। एक कोई कमेंट बार बार कर रहा है, कंजना सुदंत्रा का, अच्छा सुदंत्रा का खजाना, अच्छा कोई भी हो वो, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर ले। मेरी बात अगर आपको सुन रहे हो तो बताइए, इस नंबर पर कॉल करके जानकारी लीजिएगा, ठीक। और कोई सवाल किसी को? जी कोई बात नहीं, वीडियो को चाहे जब इच्छा हो तब देखें, क्योंकि आप सभी को सिलेक्शन लेना है, सभी को सरकारी नौकरी करना है। और कोई सवाल? ये जौनपुर जनपद से क्लासेस चलती है निःशुल्क आपके लिए, ये एकदम पूरी तरह से एनसीईआरटी पे सारी क्लासेज आपकी जो अभी तक आपने पढ़ा, ये पूरी तरह से एनसीईआरटी पर है, पूरा एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके लिए प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, ठीक। और कोई सवाल? और कोई सवाल आपका तो पूछ लीजिएगा, या एक सवाल आप बताइएगा, मृचिका क्या उदाहरण है, मृचिका की कोई कमेंट करके जरा बताए, एक आध प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये भी परीक्षा में आता है, मृचिका क्या होती है। एक होती है मरीचिका, कहीं कई प्रश्न में इसी मरीचिका को इसके आगे मृग लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, मृग मरीचिका क्या होती है। देखिए मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है, इसमें जो जलाशय होते हैं प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, मरीचिका बनता है। इसमें जैसे दूर लगता है पानी है, दूरस्थ वस्तु उल्टे या बड़े आकार में प्रतिबिंब बनता है, या अनेक प्रकार के विरूपण दिखता है, तो ये भ्रम की स्थिति होता है, प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है। इस घटना की व्याख्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन के कारण होता है। एक बात याद रखिएगा, मस्तिष्क द्वारा रेटिना पर पड़ने वाला प्रकाश की संवेदना जो होती है प्रकाश के स्रोत या प्रतिरूप से हटने के बाद, दृष्टि का अस्थायित्व कहते हैं, जैसे हम लोग सिनेमा में देखते हैं दृष्टि का अस्थायित्व होना होता है। दृष्टि का स्थायित्व कहाँ होता है? सिनेमा में होता है। लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से। एक प्रश्न आता है, लेंस किससे बनता है, तो लिख लीजिएगा फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच से लेंस बनता है आपका, ठीक, ये आपके लिए तैयार होगा। ग्रीष्म काल में मृच का घटना कहां होती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण, ग्रीष्म काल में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहते हैं, मृग मरीचिका का निर्माण होता है, ठीक। और कोई सवाल? देखिए अपवर्तन कारण भरा हुआ बीकर प्रकाश के अपवर्तन कारण कुछ ऊपर उठा हुआ दिखता है, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता है। देखिए सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उन्हें 1930 का भौतिकी का नोबेल मिला था, यह भी किसी ने प्रश्न पूछा है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण 1930 में भौतिकी को नोबेल मिला था, ठीक है। और कोई सवाल आपका? ठीक, और कोई सवाल? देखिए क्लास के अलावा किसी का सवाल है क्लास के संबंधित, तो इस नंबर पर जानकारी ले सकता है, ठीक। और कोई सवाल आपका? चलिए चलिए, किसी भी क्लास की टाइम टेबल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, ठीक है, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग कल 9:30 बजे क्लास में रहेंगे? बाकी सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। चलते हैं, बाय बाय, ठीक। यहाँ पे पढ़ा करिए लोग, चैटिंग मत किया करिए, क्योंकि आप सभी को सिलेक्शन लेना है, अपने सभी के माता पिता को उम्मीद को पूरा करना, उनके सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों के विद्यालय में जाना है। आप जैसे शिक्षकों का इंतजार हमारे उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के विद्यालय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, आप लोग ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा, ठीक। चलते हैं, बाय बाय। किसी ने कहा गोल्ड पेपर का, गोल्ड पेपर क्या होता है? एक प्रकार का टाई अप होता है, जब बैंक में हम अपने सोना रख के उन्हें प्रपत्र के रूप में अपने पास रखते हैं, उसे हम गोल्ड कहते हैं, पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कोई सवाल किसी का?
चलते हैं, बाय बाय, कल मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग जुड़े रहिएगा, पीडीएफ मिलता रहेगा, और जौनपुर जनपद की सिराजे हिंद में आप सभी का स्वागत है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलते हैं तब अगले दिन अगले टॉपिक के साथ, क्योंकि आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के भौतिक विज्ञान में प्रकाश। कल हम लोग नए टॉपिक लाएंगे जो आपके पाठ्यक्रम में होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय। ठीक, सुंदरता का खजाना जी, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा। और कोई सवाल आपका? ठीक, चलते हैं, बाय बाय।